बसमिल्ल रबालमिन वसलासलमनबी वमसलिन रबरी वसमलतानीबाद नाजरन में आप सबका इस्तेबाल करता हूँ असल वरम् वर्का आज मैं इनशा अज़ीज़ बहुत ही मुख्तर से अंदाज़ में आप तमाम के सामने हज का तरीक़ा रखने की कोशिश करूँगा उम्र का तरीक़ा मैं ऑलरेडी रख चुका हूँ तो लिहाजा ये जो तरीक़ा मैं बताऊँगा बहुत मख्तसर होंगे इसमें डिटेलिंग नहीं होंगी उम्मीद करता हूँ अगर कोई तफसीत की आपको जरूरत पड़े तो आप उल्मा से रबता क़ायम करें तो आइए नाजरन हज अल्लाह रब्ज़त की एक बहुत बड़ी इबादत है और एक फरीजा है ये जो हज का तरीक़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये हज तमत्तो का तरीका है हज करने के तीन तरीके हैं हज करानज अफराद और हज तमत्तोम हम देखते हैं हम लोग आज जिस तरह के सफ़र करते हैं और सफ़र करके आते हैं तो उमून हम लोग हज तमत् करते हैं हज तमत्तों में होता ये कि पहले उम्र किया जाता है उम्रा करने के बाद आदमी हलाल हो जाता है मतलब उम्र की रेस्ट्रिक्शन से निकल जाता है आज़ाद हो जाता है आम लिबास पहन लेता है और फिर उसके बाद जो है वो मक्के में इंतजार करता है हज के अयाम का और आठ जुलुझा आने के बाद फिर वो जो है हज का हैराम मानता है तो हम जो तरीका देख रहे हैं हज तमत्तों का तरीका है जिसमें पहले उम्र होता है फिर हज होता है उमरे का तरीका मैं पहले बयान कर चुका हूँ आज मैं इनशाला हज का तरीका बयान करूंगा हज कैसे शुरू किया जाएगा हज जमतों के लिए एक इंसान जो जाएगा वो उमरे की नीयत से जो है मीकात पर अहराम बांधेगा उसके बाद वो अपना उम्र करेंगे उम्र करने के बाद वो हलाल हो जाएंगे मतलब अपने आम कपड़े पहन लेंगा एहराम वगैरह उतार देगा उसके बाद फिर वो जो इंतज़ार करेंगे हज का और उसके बाद जब हज की तारीख आ जाएंगी तो हज शुरू होगा तो वो इस तरह से अमल करेंगा कि म़ात से जो है उम्रे का अहराम बांधकर मक्का मुकर्रमा में जो है वो आएगा उमरा अदा करने के बाद वो अहराम उतार कर हलाल हो जाएंगी हज तमत् जो कर रहे हैं उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद ये है कि आठ जिल आठ जिल्जा को जो है जिसको योम उतरविया कहते हैं वो मक्के मुक्रमा से अपनी क्याम मतलब जहाँ भी मक्के में रुका है अपनी क्याम हज के लिए अहराम बांधेंगे कौन वो शख्स जो अब हज करने जाना चाह रहा है इसी तरह जो है अहराम बांधने से कबल जो है वो लब्बिक हजन ये अल्फाज अदा करेंगे ये हज की नीयत है और इसके अल्फाज साबित है तो लब्बिक हजन ये जो है अल्फाज अपने मुँह से जो है हजी जो अदा करेंगे जो हज करने की नीयत रख रहा है इसी के साथ साथ जो है एहराम बांधने से कबल वो जो है गुस्स लेगा और अपने जिसम पर वो चाहे तो खुशबू लगा सकता है लेकिन अहराम पे नहीं जिसम पर याद रखिए वो खुशबू लगा सकता है उसके बाद जो है की हालत में आप चप्पल पहन सकते हैं सैंडल पहन सकते हैं ऐसी चीज जो आधा जूता जैसा दिखती हो पहन सकते हैं और चप्पल स्टिच्ड सिलेवी भी हो सकती है या फिर रिबेटिंग की भी हो सकती है या पेस्टेड भी हो सकती है इसमें कंडीशन ये है कि टकनों को ना ढकता हो मुमकिन हो तो इंसान जो है जोहर से पहले अपने एहराम को जो है बहरहाल बांधे

ये अल्फाज को अदा करें इसका माना होता है या अल्लाह मेरे इस हज में ना दिखावा मकसूद है और ना शहरत तलब है ये कहकर बहरहाल फिर वो आगे बढ़े इसी तरह जो है आठ जजा को वो जो है अहराम बांधने के बाद जो है जहर से कबल तलबिया पढ़ते हुए जो है वो मीना पहुँच जाए याद रखिए अब चूँकि गाड़ियों वगैरह का सफ़र होता है तो मैं उसकी तफसीत में नहीं जा रहा हूँ तो ज़ाहिर सह गाड़ी से या जो भी तरीक़ा है वो जो है मीना पहुँच जाए और मीना पहुँचने के बाद याद रखे वहाँ जहर असर मगरब ऐशा और फजर याद रखिए ये पांच नमाजें वो अदा करेंगे ये पांच नमाजें अपने अपने वक्त पे अदा करेंगे लेकिन कसर अदा करेंगे याद रखिए मतलब ये कि जहर दो रकात असर दो रकात और ईशा दो रकत ज़हर सीत फजर और मगरिब का मामला ये कि उसमें दो और तीन होती है लेकिन हर नमाज को अपने वक्त पर अजान होंगी इकामत होंगी अपने वक्त पे पढ़ेंगा लेकिन कसर करेंगा मतलब शॉर्टनिंग करेंगे प्रेयर को जैसा सफर में करते हैं लेकिन जमा नहीं करेंगे कसर करेंगे और पांच नमाजें याद रखी बाजमात वहाँ अदा करेंगे मीना में उसके बाद याद रखिए नौ जिलिजा नौ जिलिजा को जिसको योम अरफा कहते हैं याद रखिए तुलए आफ्ताब के बाद तकबीर और तहलील ज़ाहिर सी बात है पूरे हज में याद रखिए अल्लाह की बड़ा बैन करना है तकबीर बैन करना है तलबिया बैन करना है तोबा करना है इस्तेफार करना है दुआएं मांगना है ये हर जगह आप याद रखिये ठीक है तो तुलवाए आफ्ताब के बाद तकबीर और तहलील और तलबिया कहते हुए याद रखिए मीना से अरफा रवाना होंगे ठीक है फज्र की नमाज के बाद मीना से अरफात के लिए रवाना होंगे याद रखिए अरफात का दिन याद रखिए हाजी रोज़ा नहीं रखेगा बहुत सारे लोग गलत फहमी होती है वो जो रोज़ा रखना है वो गैर हाजी के लिए ठीक है तो अरफात के दिन जो है कोई रोज़ा नहीं होगा याद रखिए इसी तरह अरफात में दाखिल होने से कबल याद रखिए वादी निमरा में जहर के वक्त क्याम करना और जहर के वक्त अरफात में इमाम हज का खुतबा सुनना इसके बाद जहर और असर की दोनों नमाजें एक अजान और अकामत के साथ खसर करके अदा करना याद रखिए ठीक है तो यहाँ वो जो है मीना से निकला और अरफात में गया अरफात में जाने के बाद जो है वादी निम्रा के अंदर वहाँ जो है क़्याम करना जहर के वक्त याद रखिए अरफात में जो खुतबा वगैरह होता है उसको सुनना उसके बाद जहर और असर को मिलाया जाएगा तो एक अजान होंगी दोनों नमाजें पढ़ी जाएंगी और कसर किया जाएगा और जमा भी किया जाएगा मतलब जहर दो रकात असर दो रकात और इन दोनों को जमा किया जाएगा एक अजान दो अखामत के साथ बाजमात कसर करके जो है नमाज़ अदा की जाएगी याद रखिए ठीक है इसी तरह याद रखिए इस मसले में अगर हजूम हो रश हो तो निम्बरा में आप नहीं पहुंच सके वादी मतलब निम्बरा तक नहीं पहुंच सके अरफात में आप कहीं भी हो तो मसला नहीं है आप वहाँ वक़ूह कर ले वहाँ रुक जाए कोई मसला नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ रश वगैरह होने से ना आपको खुतबा सुनने को मिलता है कभी ना आप जो है अः जो है किसी तरह का जो है दूसरा बहुत सारे अमल जैसा कि अल्लाह के वसल्लम यहाँ खड़े हुए थे ये दुआ की थी वो मौके नहीं मिलते तो आपको अरफात के मैदान में रहना है आप चाहे जहाँ भी रहो अरफात के मैदान में इस बात को आप मेक श्योर कर ले कि आप अरफात के मैदान में हो वादी निम्रा वगैरह वा में आपका क्याम ना भी हो तो कोई मसला नहीं अरफात में आप पहुंच जाए अदर के रश वगैरह की वजह से ही मसला होता है वहाँ मतलब उस जगह मखसूस मुकाम पर रुकना मुश्किल होता है अरफा चूंकि बड़ा मैदान है आप जहाँ कही कोई मसला नहीं ठीक है जोहर असन कि नमाज़ अदा करने के बाद याद रखिए अरफात में दाखिल होना है और जबल रहमत के दामन में या जहाँ कहीं जगह मिले चूंकि वहाँ भी ऐसे रश होता है कि जगह नहीं मिलती जहाँ कहीं जगह मिले याद रखिए वहाँ जगह मैसराजा वहाँ वक़ूह करना है मतलब वहाँ रुकना है वहाँ खड़े होना है कबल रुख मुंह करना है और अपने दोनों हाथों को बहुत बुलंद करना है कबल रुख काबे की तरफ मुँह करना है अपने हाथों को बहुत बुलंद करना है और तकबीर और तहलील अल्लाह की बड़ाई बैन करना है हमदोसना बैन करना है तोबा करना है इस्ते करना है कसरत से दुआएं करना है कुरानी दुआएं करना है सुन्नत से ज़्यादी दुआएं करना है अपनी दुआएं करना है अपने अल्फाज में दुआएं करना है जो अरबी आती है अरबी में कीजिए जो नहीं आती है अपने अल्फाज में कसरत से दुआएं करना है हाथों को ऊपर उठा के और ये सिलसिला जब आप जहर पढ़ लेंगे और असर पढ़ लेंगे मतलब जमा कर लेंगे उसके बाद से लेकर मगरब तक मुसलसिल चलता रहेगा आपको बकसरत जो है दुआएं करना है तकबीर करना है और याद रखिए अरफा ही हज है याद रखिए ये बहुत अहम चीज़ है इसके छूट जाने से हज नहीं होता बहुत तो आप वहां रुक गए और आपने वहां जो है कुरानी नबी दुआएं तलबिया इसतफ़ार तोबा और वो तमाम चीजें बहरहाल की इसी तरह गुरूब आफ्ताब के बाद मतलब सूरज डूबने के बाद जो है मगरिब की नमाज बग़ैर अदा किए मतलब अदा नहीं करेंगे आप सुकून और इतमिन के साथ अरफा से निकलकर कर की तरफ हम लोग जाएंगे तो याद रखिए जब अरफा से निकल कर मुस्तलिफ़ा की तरफ जाएंगे तो मग़रब आप वहाँ नहीं पढ़ेंगे सुकून इतमान के साथ जाइए कुछ लोग पैदल जाते हैं कुछ लोग सवारीयों पर जाते हैं और मैं जानता हूँ टेक्निकली ये होता है कि गाड़ियों में लोग जाते हैं तो आधी आधी रात कभी हो जाती है पहुंचने में कभी तो यूँ होता है घंटे दो घंटे पहुँच जाते हैं बहरहाल जो भी हो आप जब भी पहुँचे याद रखिए वहाँ पहुँचना है और मुजदलिफा के अंदर जाकर जहाँ कहीं भी जगह हो वहाँ आपको रुकना है और वहाँ आपको मगरब और ईशा पढ़ना है मगरब और इशा के लिए एक अजान ली जा सकती है और एक अजान के बाद याद रखिए दो अकामतों के साथ कसर करना है और जमा करना है मतलब मगरिब तो तीन होंगी ईशा को दो रकात पढ़ेंगे और इसको जमा करेंगे याद रखिए कसर भी होंगी जमा भी होंगी जैसा जहर असर को किया वैसा मगरिब ईशा को आपने किया और आप कसर करेंगे और वहाँ याद रखिए आप मुजदलिफा के अंदर रात में आराम करेंगे मुजदलिफा में खाम ख़ा रात में जागना दुरुस्त नहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजदलिफा में आराम किया रात सोकर गुजारेंगे और दस जुलहिज्जा को नमाज फज्र मामूल से थोड़ा सा पहले अदा करेंगे और नमाज फज्र बाजमात अदा करने के बाद याद रखिए मशरिल हराम पहाड़ी मशरिल हराम पहाड़ी के दामन में जहाँ या जहाँ कहीं मशरिल हराम पहाड़ी ये भी कभी कह मुमकिन नहीं होता या जहाँ कहीं जगह मिले वहाँ आप रुकेंगे रुख मुँह करेंगे हाथों को बुलंद करेंगे और सूरज तुलू होने से सेबल रोशनी के ज्यादा होने तक अभी सूरज तुलू नहीं हुआ फज्र आपने पढ़ ली लेकिन रोशनी अभी बढ़ रही है रोशनी के ज़्यादा होने तक किबले की तरफ मुँह करके आप कसरत से दुआएं करेंगे अल्लाह की तस्वी बयान करेंगे, बड़ाई बयान करेंगे तोबा करेंगे इस्तफार करेंगे याद रखिए इस तरह करेंगे इसी तरह तलु आफ्ताब से कुछ कबल अदाबी सूरत काफ़ी रोशनी हो चुकी है तुलवा आफ्ताब से खुद कुछ कबल सुकून और इतमान के साथ याद रखिए वक़ार के साथ तलबिया पढ़ते हुए याद रखिए आप जो है मुस्तलिफा से निकल के अना की तरफ जो है रवाना होंगे इसमें अगर कुछ आगे पीछे देर हो जाए सूरज निकल जाए थोड़ा सा वक्त भी हो जाता है इन शजीज़ कोई मसला नहीं है ठीक है तो आप वहाँ से बहरहाल वहाँ से निकलेंगे मीना पहुँचने के बाद याद रखिए या मुस्तलफ़ा से आप जब निकलेंगे तो कोशिश करें कि आप कंकरियाँ चुन लें चूंकि कंकरियाँ आपको अब लगेंगी जमरात के लिए याद रखिए रमी के लिए याद रखिए आपको ये जो है कंकरियाँ लगेंगी तो आप वहाँ कंकरियाँ जमा कर लें उमून बॉटलें वगैरह आसानी से मिल जाती है कपड़े वगैरह में अहराम में अहराम के पॉकेट्स में वगैरह आप इन चीज़ों को कंकरियों को रख सकते हैं आपको कंकरियाँ लेना है पत्थर या बड़े बड़े पत्थर नहीं चुनना है छोटी छोटी कंकरियां जो आसानी से बसानी फेंकी जा सके तो आपको कंकरियां जमा करना है और वहां से निकलना है। मीना के बाद जमरे अकबा को जमरात में जाके जमरे अक़बा को और जाहिर सी बात है इसमें काफी सफर है आपको काफी पैदल चलना है तो जमरे अखबा को याद रखी वहाँ तीन है जमरे उला जमरे उस्ता और जमरे अखबा तो इसको मैं क्या कहूँ आम जबान में ये इंडिया पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है बड़ा शैतान बीच का शैतान छोटा शैतान लेकिन ये दुरुस्त नहीं याद रखे जमरे उला पहलाए फिर उसके बाद जमर वस्ता और जमरे अकबा तो बहरहाल जमरे अकबा के पास आपको जाना है और रमी करना है याद रखिए और रमी से कबल तलविया कहना बंद कर देना रमी मतलब उसको कंकर मारना है सात कंकरियां मारना है और कंकरियाँ मारने से पहले तलबिया कहना बंद कर देना है याद रखिए तो आप मुजदलिफा से निकले और रमी के लिए बहरहाल जमरे अखबा में पहुंचे वहां कंकरियाँ आपने मारी कंकरियाँ मारने के बाद याद है जमरे अकबा की रमी के बाद कुर्बानी करना है और इससे कुछ पका कर खाना है ये भी चीज़ें मुमकिन नहीं होती लेकिन नबी सल्लल्लाहु कर पका कर खाया तो जमर अकबा को रमी के बाद कंकरियाँ मारने के बाद याद रखिए आपको कुर्बानी करना है इसमें एक चीज़ याद रखिए जो लोग हजे अफराद कर रहे हैं उनके लिए कुर्बानी नहीं होती है ठीक है लेकिन हम चूंकि हज तमत्तों कर रहे हैं तो इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूँ तो कुर्बानी करना है कुर्बानी के बाद जो है हलक या तकसीर करना है याद रखें कुरबानी के बाद हलक मतलब टकला कर लेना है बाल पूरे साफ करना है गंजा कर लेना है ठीक है या बाल छिल लेना है इसको कहते हैं आम जबान में या फिर तकसर करना है मतलब बालों को पूरे एक जैसे छोटे करना है दोनों में से जो आपकी सहूलत हो करे लेकिन बालों को पूरे साफ करना अपना गंजा करा लेना टकला करा लेना बालों को पूरा हटा देना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के लिए दुआ की बहरा तो आप बालों को या तो पूरा एक जैसा छोटा कराए या तो बालों को साफ कर ले ठीक है और अहराम की चादरें उतार कर आम लिबास अब आप पहन सकते हैं ठीक है लेकिन अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ अभी चीज़ें बाकी है तो आप अहराम उतार देंगे और आम कपड़े लिबास पहन लेंगे याद रखिए उसके बाद मीना से मक्के मुकर्रमा आप जाएंगे जब भी टाइम और जब भी सहूलत मिले उस दिन अगर आप टाइम मिलता है थके हुए नहीं तो जाइए उस दिन टाइम नहीं मिलता तो आपके पास अभी वक्त बाकी है आप दस को जा सकते हैं ग्यारह को जा सकते हैं बारह को जा सकते हैं अभी टाइम बाकी है आपके पास याद रखें तो लिहाजा आपके पास टाइम है तो उस दिन हो सकता है उस दिन करें या जब भी हो सके आपको वहां से निकल के याद रखे मीना से मक्का जाना है और मक्का में तवाफ़ इफाजा करना ये हज का रुकना है याद रखे तवाफ़ इफाजा और तवाफ़ याद रखे चूंकि इस तवाफ के अंदर अहराम नहीं होंगे चूंकि हज का एहराम आप ऑलरेडी उतार चुके हैं ठीक है तो यहाँ आप अपने लिबास में होंगे अपने सादे आप तवाफ की जो इब्त करेंगे और तवाफ़ की जब इब्तदा आप करेंगे तो याद रखिए वो, वो हजर इसव से इब्तदा होंगी हजर इसव से आप घूमकर कर हजर इसव तक आएंगे ये एक चक्कर कहलाएंगा और तवाफ में ऐसे सात चक्कर होते कुल याद रखिए तो लिहाजा आप चक्कर शुरू करेंगे चक्कर जब शुरू करेंगे तो वहां हजर असवत के सामने जाएंगे उसका इस्तेलाम करेंगे इसका मानना ये कि या तो आप उसको बोसा देंगे या तो उस पर अपनी पेशानी रखेंगे या तो हाथ लाकर चूमेंगे अगर ये मुमकिन नहीं है तो आप सिर्फ उसको इशारा करेंगे और इशारा करके हाथ को नहीं चूमेंगे खाली इशारा करेंगे और कहेंगे बिस्मिल्लाह अकबर कहे और एक हाथ से इशारा करना काफी है के साथ दोनों हाथ उठाने की जरूरत नहीं होगी तो आपने इशारा किया बिस्मिल्लाह अकबर और याद रखिए हजरे बिस्मिल को रुबने या उस पर सर रखने या उसको बोसा लेने की कोशिश करने में लड़ाई करना झगड़ा करना मारामारी करना एक दूसरे को धक्का बुक्की करना मर्द और औरतों का घुसना बिल्कुल सही नहीं है तो लिहाजा आप इस्तेलाम दूर से भी कर सकते हैं हाथ उठाएंगे एक हाथ के इशारे से करेंगे अकबर कहे बगैर हाथ चूमे के फिर आप जाएंगे और चक्कर मार के आएंगे दूसरा चक्कर और तवाफ के बीच में ये भी तरीका याद रखिए कि तवाफ के अंदर आप दुआएं करेंगे कसरत से दुआएं कीजिए आप जो दुआएं याद हो कुरानी नबवी इसके अलावा जो दुआ अगर याद ना हो तो अपने अल्फाज में भी आप दुआ कर सकते हैं इसी तरह जो है रुकन यमानी के पास आप जब पहुंचेंगे जो कि हजर असवद से पहले वाला हिस्सा आप वीडियो में आप इस चीज को देख सकते हैं तो हजर स्वद से पहले वाला हिस्सा याद रखिए कॉर्नर है मतलब हजर अश्वद उसके बाद एक कॉर्नर उसके बाद दो कॉर्नर ये तीसरा कॉर्नर है याद रखिए जब यहाँ आएंगे तो रुकने या मानी को आप हो सके तो हाथ लगाए उसको एक मरतब हाथ लगाना है हाथ लगाना मुमकिन नहीं है तो उसको ना इशारा करना है ना उसको बोसा देना है हाथ लगाना है अगर हाथ लगाना मुमकिन नहीं है तो हाथ लगा के बोसा भी नहीं सिर्फ हाथ लगाना है हाथ लगाना अगर मुमकिन नहीं है तो आप वहां से गुजर जाए कोई इशारा नहीं है और कुछ भी नहीं करना है आपको सीधे वहां से गुजर जाना है ऐसे आप सात चक्कर मारेंगे दुआएं करते हुए तो ये था आप जो है तवाफ का तरीका तवाफ की और तफसीलात अगर देखना है तो आप उम्रे की वीडियो में इसको देख सकते हैं तवाफ खत्म होने के बाद याद रखिए सात चक्कर तवाफ के खत्म होने के बाद हम जो है निकलेंगे और जमजम का पानी पियेंगे जमजम का पानी पीने के बाद कुछ पानी अपने सर पर डालेंगे और वहां से जो है सही के लिए जाएंगे और सही के लिए जब जाएंगे तो वो जो है सफा की तरफ जाएंगे और सफा से सही की शुरुआत होंगी और मरवा पे जाएंगे फिर मरवा से सफा याद रखिए और ऐसे सात चक्कर आपको सही के करना याद रखिए सफा से शुरुआत मरवा पे और मरवा के बाद सफा सफा के बाद मरवा तो शुरुआत सफ़ा से होंगी खात्मा मरवा पे होंगे याद रखिए सफ़ा की पहाड़ी पे खड़े होकर खबले रुख होकर आप दुआएं कर सकते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहरहाल साबित है दुआएं आप करेंगे और उसके बाद जब आप बीच से चलेंगे याद रखिए सफ़ा और मरवा के बीच चलेंगे तो सफ़ा और मरवा के बीच याद रखिए जहाँ सब्ज गुम्मद है या ग्रीन कलर की लाइट्स है या ग्रीन कलर के पिलर से याद रखिए यहाँ थोड़ा सा आप तेज चलेंगे और ये मामला सिर्फ मर्दों के लिए याद रखिए औरतों के लिए नहीं ठीक है तो आप वहाँ तेज चलेंगे सफ़ा और मरवा के, के बीच में जब आप चलेंगे यहाँ भी आप बकसरत दुआएं करें अल्लाह तला से अल्लाह की तकबीर बयान करें अल्लाह की तमजीद बयान करें अल्लाह की तहलील बयान करें अल्लाह के तल्लु से जो है तकबीर बयान करे तोबा करे करें कुरानी दुआएं पढ़े कुरानी दुआएं याद ना हो तो नबी दुआएं नबी दुआएं याद ना हो तो अपने अल्फाज में भी दुआएं कर सकते हैं ऐसे आप सात चक्कर मारेंगे सफा से शुरू हुआ और मरवा पे जाके मामला जो है खात्मा होगा ठीक है इसी तरह जो है अय्याम तशरी मतलब ग्यारह बारह और तेरह अयाम तशरी के जो अयाम है याद रखिये जुल्हिजा की ये रातें जो है तीन रातें हमको जो है मीना में जो है गुजारना है और रोजाना जवाल आफ्ताब के बाद मतलब आफ्ताब जवाल के बाद जवाल होने के बाद जमरे जो है उला वस्ता और उकबा तरतीब इनकी रमी करना मतलब तरतीब में इनको कंकरियां मारना है तो ये तीन दिन अगर आप है तो तीनों दिन आप जो है जवाल के बाद जाएंगे और तीनों जगह जमरे जो है ऊला वस्ता और उकबा तीनों में रमी मतलब कंकरियाँ मारेंगे कंकरियाँ मारते वक्त अल्लाह अकबर आपको जो है कहना है और यहाँ कंकरी जाकर बस उस गढ़े में गिर जा, जा आप मार रहे हैं जब गढ़े में गिर जाती है तो खुद बखुद वो पिलर जो बीच में उसको वो जो है लग जाती है याद रखिए ठीक है तो वहाँ उसको कंकरियाँ मारना याद रखिए तीनों दिन अगर आप रुकते हैं तो याद रखिए इसी तरह जमरे ऊला जमरे उस्ता और जमरे उकबा जब आप इनको कंकरियाँ मारेंगे तो जमरे ऊला और जमरे वस्ता ये दोनों को कंकरियाँ मारने के बाद आप किबले रुख मुंह होकर दुआएं कर सकते हैं लेकिन जमरे उकबा को जमरे उकबा को कंकरियाँ मारने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं की तो लिहाजा आप जब कंकरियाँ मारेंगे तो जमरे जो है ऊला और उस्ता ये दोनों के बाद आप किबले रुख मुंह होकर दुआएं कर सकते हैं लेकिन अकबा को मारते वक्त नबी अ करम सल्लास ने यह काम नहीं किया यहाँ रश वगैरह बहुत ज़्यादा होता है वैसे पूरे हज में रश ज्यादा होता है बहुत एहतियात के साथ और बहुत अच्छे अंदाज से हिल्म के साथ बुरदबारी के साथ और जिसको कहेंगे आराम के साथ ये काम को हमें अंजाम देना याद रखें ठीक है इसी तरह जो है क्याम मीना के दौरान मुमकिन हो तो रोज़ाना तवाफ़ करने जाए मुमकिन हो तो जरूरी नहीं रोज़ाना तवाफ़ करने जा सकते हैं इसी तरह मस्जिद ज खीफ के अंदर मुमकिन हो तो नमाज़ पढ़ी कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन आप मुमकिन हो तो आप ये भी काम कर सकते हैं

तो आप बारह को नमाज मगरब से पहले निकल जाए अगर मगरब हो जाए तो फिर आपको मीना में रात गुजारना पड़ेंगी इस बात को आप याद रखें तो लिहाजा जो जाना चाहता है मगरब से पहले निकल जाए मगरब हो जाएंगी तो रुकना पड़ेंगे और दूसरे दिन जवाल के बाद फिर वो जा सकता है लेकिन इस बात का ख्याल रखें लेकिन जो रुकना चाहे वो तेरह तक रुक सकता है अब ये क्रम सल्हल ने एक ही हज किया और इस हज में आपने क्याम किया तेरह तक तो लिहाजा कोशिश करें ना हो सके तो अल्लाह ने चूंकि छूट दिया आप उसको इख्तियार भी कर सकते हो दोबारा या तेरह दोनों ऑप्शनल है लेकिन बारह को निकलना है तो मगरिब की नमाज से पहले मगरिब से पहले निकलना सूरज गुरु होने से पहले और या तो आप बारह तक रुके या तो आप तेरह तक रुके ये काम अगर हो गया तो इसके बाद मामला खत्म हुआ अब सिर्फ एक चीज बाकी रहेंगी मक्के मौजू में जो है पहुंच कर आपके घर लौटने से पहले आपको एक तवाफ करना इस तवाफ को तवाफ विदा कहा जाता है तो समझ लीजिए मिसाल के तौर पर आप तेरा जुल्हजा हो गई अब वापस मक्के आ गए और आपका अभी टूर जो है Uh, मतलब वापस जब जाएंगा अपने वतन तो उसके लिए पाँच छः दिन बाद जाएंगा दो चार दिन बाद जाएंगा दस दिन बाद जाएंगा या फिर आप वापस मुल्क के बदले मदीना जाएंगे और मदीना से फिर रवाना हो जाएंगे तो जब भी आपकी मक्के से फिर रुखसती हो तो रुखसती से पहले आप एक तवाफ़ करेंगे इसे तवाफ़ विदा कहा जाता है और तवाफ़ विदा करके मतलब ये आखिरी चीज़ रहेंगी जो आप करेंगे मक्के से निकलने से पहले फिर चाहे मक्के से निकल के अपने वतन जाए या फिर मदीना जाके वहाँ से चले जाए तो आप तवाफ़ विदा करेंगे और ये हज की चंद बातें थी और यहाँ हज खत्म होता है और ये चंद बातें जो हज के ताल्लुक से आप तमाम के सामने रखने की बहरहाल कोशिश की है और भी तफसलत जहर सी बातें इसमें होती है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वहाँ ज़मीन ज़माना हालात रश और माहौल के एतबार से पेचीदगी आती है वहाँ ओलुम हजरा मौजूद होते हैं आप उनसे पूछें या निकलने से पहले अपने मुकामी हजरात जिन्होंने हज किया है उनसे भी आप तफ़ीत बहराल ले सकते हैं इसी पर अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा अल्लाह रबा कि अल्लाह साल हमारीबादों को जो है कबूल करें हमारे उमरे और हज को कबूल करें इसको रिया और जो है दिखावे से इसको महफूज रखें हमारी इबादतों को कबूल करके हमारी मफ़रत करे और जो हज का बदला हमें जन्नत अता फ़रमाए और अल्लाह रबत हमें इस हज को करने के बाद जो हज किया है उस पर कायम रहने की हयाता तोफ़ी अता फरमाए हमको बार बार अपने घर की जियारत का जो मौका अत फ़रमाए जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे खात्मा ईमान पर हो वानदा बिला सुन रबी कर बिलमी